हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ 100 सीसी की बाइक, मतलब कि 100 सीसी की बाइक, और कौन सी लें, कैसे लें, फाइनेंस पे लें या कैश में लें, किस तरह से हमारे लिए सही होगी बाइक लेनी। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। हमारा जो बाइक वो चैनल है वो बाइक से ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला घंटा भी दबा लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो करते हैं बाइक के बारे में कि 100 सीसी की बाइक आपके लिए कौन सी होगी बेस्ट। तो मैं आपसे बताऊँ, 100 सीसी की बाइक हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस। हीरो स्प्लेंडर प्लस एक सबसे बेस्ट बाइक है 100 सीसी की बाइक में, वो इसलिए क्योंकि मार्केट में इंडिया में सबसे ज़्यादा नाम कमाया हो स्प्लेंडर प्लस, और दूसरे नंबर की जो है वो HF ब्लैक्स है, हीरो की ही बाइक है। और सबसे ज़्यादा खासियत बात इस बाइक में ये आई है कि ये भी अब IBS मॉडल में आने लगी है, मतलब कि ट्यूबलेस टायर इसमें भी अब आने लगे हैं, आपको काफ़ी सुविधा मिलने लगी है इस चीज़ में और बाइकों से रिलेटेड। जैसे कि हमारी ये दो बाइक हैं एक HF ब्लैक्स हीरो की और स्प्लेंडर प्लस, ये सबसे बेस्ट बाइक है। इनकी स्पेसिफिकेशन, इंजन और इनकी चेसिस, इंजन पावर, टॉर्क मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है। मैं आपको बताऊं तो 100 सीसी की बाइक में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पावरफुल और माइलेज में एक हमारी प्लेटिना थोड़ी सी आगे है, पर मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा एक वो रखता है कि हाँ, मेंटेनेंस अगर आप बाइक लें और उसमें बार बार पैसे लगाते रहें तो आपको भी दुखी होगी कि हाँ यार, हमने बाइक ली है नई और इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम को अब हम ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। तो वो सुपर का नाम आ रहा है क्योंकि सुपर का रिव्यू मुझे निकालना है तो याद कर रखा है। आपके लिए HF ब्लैक्स और स्प्लेंडर प्लस ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। फिर आती है हमारी तीसरे नंबर पर TVS की स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है TVS की सबसे छोटी बाइक है, पर माइलेज में इन सबका बाप है। मेंटेनेंस भी उसका काफ़ी अच्छा है, मेंटेनेंस में ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी केयरफुल बाइक है। प्राइस पे भी बहुत मेंटेन करती है, 46-47 हज़ार रुपये में आपको सेल्फ स्टार्ट में मिल जाती है, ऑन रोड काफ़ी अच्छी बाइक है। अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा राय जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे भाई 10-15 भाई ने मुझे मेल भी करा है कि मुझे ये बताओ कि स्पेसिफिकेशन चेक करके कि 10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए, पर बाइक ऐसी हो कि बिल्कुल ही अच्छी हो, 100 सीसी की बाइक हो, माइलेज भी काफ़ी अच्छा हो, पर बाइक ऐसी हो कि काफ़ी कंफर्टेबल हो। तो हमें जो दिखी है सबकी स्पेसिफिकेशन देख के, बता के, चला के, वो हमें हीरो स्प्लेंडर प्लस और HF ब्लैक्स ही मिली है। तो आप ये बाइक ले तो बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, आप HF ब्लैक्स या स्प्लेंडर प्लस बाइक ले लें, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हो, क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, मैं आपको वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या आपकी बाइक में कोई दिक्कत आ रही है चांदपुर या बिजनौर के अंदर, तो वो आपकी सही हो जाएगी। अगर आप नई बाइक लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के जरिए आपको डिस्काउंट पर बाइक मिल जाएगी, बाइक वॉल के चैनल के जरिए। एक मेरा मेन चैनल है, अगर आप इस चैनल को खोलोगे तो नीचे उसकी वीडियो आएंगी अमन गुप्ता के नाम से, उस चैनल को भी आज जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी बाइक से रिलेटेड वीडियो और कभी कभी कॉमेडी वीडियो भी डाल देते हैं।